Hello student, how are you all? Welcome to Equal Smart Classes. I am Anup Dhiman और आज हम बात करेंगे क्लास 10 से चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट 5 पर. अगर आप लोगों ने पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 नहीं देखा है, then first you need to watch part 1, part 2, part 3 and part 4, जिसका जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो आज टॉपिक जो कवर करने वाले हैं पार्ट 5 में, ओनली टू टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कुछ जगह पर डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पर रिप्लेसमेंट वर्ड भी लिखा रहता है. क्लियर बात है ना? तो बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से. तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो या ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, दोनों एक ही बात होती है. तो बात कर लेते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. लिखा रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मतलब एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस किया जाता है एक मोर रिएक्टिव मेटल के थ्रू. तो यहां पर देखो आप लोग, ये जो ए है और ये जो बी है, ये हमारे पास एक लेस रिएक्टिव मेटल है, जबकि हमारे पास जो सी है ये मोर रिएक्टिव मेटल है. तो यहां पर देखो क्या होगा, ये सी इस बी को यहां से डिस्प्लेस करेगा और खुद इस सी के प्लेस पर आ जाएगा और कंपाउंड बनाएगा ए सी, और ये यहां से बी को डिस्प्लेस करेगा. देखो यहां पर ये कंडीशन मस्ट होती है कि सी जो है वो बी से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी वो इस कंपाउंड से बी को डिस्प्लेस कर पाएगा. अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन मेटल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है? तो उसके लिए हम लोग के पास एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है. क्लियर बात है? तो ये है वो रिएक्टिविटी सीरीज. देखो यहां पर हम लोग देख लेते हैं, ये जो मेटल्स गिवन है ये रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये मोस्ट रिएक्टिव होता है और ये लीस्ट रिएक्टिव होता है. क्लियर बात है ना? तो इस सीरीज से हमें पता चलता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है. क्लियर बात है ना? तो आगे हम लोग देखो एग्जाम्पल से समझते हैं. लिखा है जिंक मेटल रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देन इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड फॉर्म जिंक सल्फेट. देखो ध्यान से, सबसे पहले देखते हैं जिंक क्या कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा. तो जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होनी चाहिए. इस सीरीज में देखो आप लोग, जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है. तो यहां पर जिंक के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कॉपर को इसके प्लेस से डिस्प्लेस कर सके और खुद इसके प्लेस पर आ जाए, खुद इसके प्लेस पर आ जाए. तो जिंक यहां से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और बनाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा. नेक्स्ट वन एग्जांपल देखते हैं. व्हेन आयरन मेटल रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन इट डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. अब देखते हैं कि आयरन भी डिस्प्लेस कर सकता है. यस, आयरन भी कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, बट कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है बट आयरन कॉपर को सॉरी जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है बट आयरन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है. मतलब अगर हमारे पास कभी कोई ऐसी रिएक्शन आती है दैट इज जिसमें Fe ZnSO4 की रिएक्शन हम लोग कभी भी कराएंगे Fe से, तो ये Fe आयरन कभी भी इस जिंक को डिस्प्लेस नहीं कराएगा. दैट इज नो रिएक्शन. इस कंडीशन में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि जो आयरन है वो कभी जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वो रीजन भी पूछते हैं कि रिएक्शन क्यों नहीं होगी. बिकॉज Fe इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, इट इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन. क्लियर बात है ना? तो यहां पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो एक मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करेगा. क्लियर बात है? तो यहां पर इस तरह के एग्जांपल्स होते हैं, आप लोग देखिए ना आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी देन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. क्लियर बात है ना? नेक्स्ट वन अभी हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लेकर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लेकर. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होता है, ध्यान से देखेंगे अभी. तो रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ
आयन्स टेक्स प्लेस बिटवीन द टू रिएक्टेड मॉलिक्यूल, मतलब यहां पर आयन्स का एक्सचेंज होता है। अब ये देखो आप लोग एक एग्जांपल है मेरे पास, एक जनरल फॉर्म में हम लोग अगर देखें तो ये ए बी है और ये सी डी है। सबसे पहले ये आयन्स में ब्रेक होंगे, क्लियर बात है, ये भी आयन्स में चार्ज में वैरी, ऐसे ब्रेक हो सकते हैं। तो ये देखो एक्सचेंज करेंगे आयन्स में, इसका नेगेटिव चला जाएगा सी के पास और ये दोनों चले जाएंगे, दैट इज ये अपने आयन्स को क्या करेंगे, ए तो चला जाएगा सी के साथ और बी चला जाएगा डी के साथ। तो ये अपने आयन्स को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, बी यहां पर आ जाएगा और सी यहां पर आ जाएगा, क्लियर बात है ना। तो देखो ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर लिए, बी इसको दे दिया, इसने सी इसको दे दिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहां पर एक्सचेंज ऑफ आयन्स होते हैं। तो जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी वहां पर ऑलवेज दोनों के दोनों सॉल्ट होंगे और वो दोनों और दोनों क्या करेंगे, आयन्स का एक्सचेंज करेंगे। एक एग्जांपल देखो Na2SO4, दैट इज व्हेन सोडियम सल्फेट एडिड टू बेरियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट क्या होता है, सोडियम सल्फेट हम लोग ऐड करते हैं बेरियम क्लोराइड में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, नाइन्थ क्लास में भी पढ़ी आपने। तो क्या होता है यहां पर, बेरियम सल्फेट के व्हाइट पीपीटी फॉर्म होते हैं, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं और बनता है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट वन एग्जांपल देखो आप लोग, सिल्वर नाइट्रेट, इट्स अगेन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हम लोग के पास। When silver nitrate is added to sodium bromide, then yellow precipitate of silver bromide and sodium nitrate are formed. तो यहां पर क्या होते हैं, silver bromide के white yellow PPT बनते हैं, yellow. Important होते हैं इनके colors भी। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि अगर AgBr है तो येलो बनते हैं और बेरियम सल्फेट में बनते हैं हमारे व्हाइट कलर के पीपीटी, क्लियर बात है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही कैरी करेंगे, नोट डाउन कर सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर हमको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी टॉपिक में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, देन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग पार्ट 5, मोर टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन पार्ट 6। थैंक्स।